मदद कीजिए मालिक। चिंता मत कीजिए, घबराइए मत। ये सुबह ये सब कैसे हुआ? नए एसीपी ने इन पर लाठीचार्ज करवाया। हमारे आदमियों की हालत बहुत खराब है, आप होते तो ऐसा नहीं होता। कौन है ये कमीना एसीपी? एसीपी रतन सिर्फ नाम के लिए एसीपी है, वरना जल्लाद का भी बाप है, कानून का भक्षक। पैसों के लिए ईमान बेचते, करप्शन उसके खून में है, पुलिस की वर्दी में वो हैवान है, औरतें उसकी कमजोरी है, पर वो है होशियार, इसीलिए अब तक पुलिस में टिका हुआ है। हमारे पास मीटिंग की परमिशन नहीं थी, इसलिए लाठी चार्ज करवाया। उसे मरना होगा, जाओ खत्म कर दो उसे। रुक जाओ सूर्या। लेकिन क्यों? आप हमारी जाति के नेता हैं। 64 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोग आपके इशारे पर हैं। जल्दबाजी मत करो सूर्यम, स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हो, पहले उस कानून के पंछी को उसकी औकात दिखानी होगी। समझ गए? अब फौरन होम मिनिस्टर को फोन करो। क्या रे होम मिनिस्टर, अपनी औकात भूल गया? हमने कुर्सी दिलवाई और हम पर ही लाठीचार्ज करवाया? किसका पिल्ला है ये एसीपी? सरकार बदलवा सकता हूँ मैं। उस कमीने एसीपी को सस्पेंड कर और मुझे रिपोर्ट कर, वरना इन्हें बुरी नजर से बचाना, इलेक्शन में जिता के इस प्रांत का राजा बनाना, यही प्रार्थना कीजिए दादी। मधु बिटिया कहाँ है? वो तो टूर पे गई है। कितनी बार समझाया, मेरी इजाजत के बिना वो कहीं नहीं जाएगी, फिर भी कॉलेज की तरफ से अचानक प्रोग्राम बन गया। इस बात की खबर गोपू को मैंने दी थी। क्यों रे, तूने बताया नहीं? बहुत काम थे इसलिए भूल गया। अभी ये हाल है तो डॉक्टर बनने के बाद क्या करेगी? क्यों इतना गुस्सा करते हो? उसे डॉक्टर बन जाने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। कहाँ गई है वो? आराकू। सब पेशेंट्स को ये वाली दवाई दे देना। यस मैम। नाउ हाउ आर यू फीलिंग? तेरी बात इन्हें समझ में नहीं आ रही है, हिंदी में बोल। अच्छा मुंह खोल के बताइए आपका तबीयत कैसा है। स्टूडेंट, एक घंटे में आप सब लोग बस में चढ़ जाना। सर, क्या आप भी चढ़ेंगे हमारे साथ बस में? चलो चलो जल्दी से। मधु, मेरा दुपट्टा। मधु कहाँ चली गई? अरे इसी तरफ तो आई थी। वो रहा मेरा दुपट्टा, देखो वो रही। मधु क्या हुआ, यहाँ क्या कर रही है, चलना नहीं है क्या? देखो तो कितनी सुंदर जगह है, काश मैं हमेशा यहाँ रह पाती। ये तो कोयल की आवाज है, इसकी आवाज कितनी रोमांटिक है ना। चलो हम भी उसके जैसी आवाज निकालते हैं, अगर हमारी आवाज उसे पसंद आई ना तो वो जवाब देगी। अच्छा ऐसा क्या? हाँ देख करके बताती हूँ। अब तू कर, चल करना। देख मैंने कहा था ना। मेरी आवाज तुम्हें पसंद आई? I love you. अजनबियों से प्यार करना मुझे पसंद नहीं। वो तुम्हारे लिए नहीं था, कोयल के लिए था। क्यों? क्या तुम्हें इंसानों से एलर्जी है? कौन था वो? कोयल के भेस में 6 फुट का कौवा था। क्या गाना है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। स्वीटहार्ट, उसको तलाक दे दो, मुझसे शादी कर लो। शादी मंदिर में करोगी या कोर्ट में? स्टॉप इट, क्यों तंग कर रही हो लोगों को? क्यों, वो तेरे रिश्तेदार लगते हैं क्या? हाँ।
इससे भी कुछ कराते नहीं 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 आना कुछ नहीं करोगे अरे छोड़ अब तुम्हें जो भी आदमी दिखेगा उसे आई लव यू कहना होगा मैं ये मुझसे नहीं होगा कभी भी नहीं ठीक है तो मत बोल हम समझ लेंगे कि तेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है तुम्हें तो पता है ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है अच्छा ऐसा है तो फिर तू बोल देना वन टू थ्री गो अंकल आई लव यू फिर से आई लव यू कहने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या चुप कर पागल सब तेरी वजह से हुआ अरे मुझसे शादी बना ले मेरी जान मन तुझे रानी बना के रखूंगा लंदन पेरिस टोक्यो घुमाऊंगा अरे एक बार बस से उतर कर मेरे दिल में आ जा ड्राइवर थोड़ा तेज करो चुम्मा के नाम में एक चुम्मा तो दे दीजा चलो बात अरे अब क्या हुआ Darling, I love you. अभी बताती हूँ तू मेरे साथ है सही वक्त पर अगर तुम्हारी शादी होती तो इतनी बड़ी बेटी होती तो चुप कर मैंने इसे दिल से पत्नी मान लिया है अब ये सुहागरात भी करेगा चुप कर स्टूपिड सॉरी चाचा जी ये सिर्फ एक मजाक था अरे ऐसे मेरा दिल मत तोड़ो तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि यू हैव फॉलन लव विद मी ऐसा उसने मुझे बताया था उस पर यकीन नहीं है तो खुद ही पूछ लो हाँ पूछो हाय क्या हाय क्यों तमाशा कर रहे हो ए, कौन तमाशा कर रहा है तुम या फिर मैं सड़क पर चलते हुए हर रात को आई लव यू कौन कह रहा था एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी आजकल की ये लड़कियां शरीफ लड़कों को परेशान करती हैं। हाय फ्रेंड्स ए, उड़ बे ये सीट मेरी है क्यों घर से लेके आया था क्या नहीं टीसी को 200 रुपए देकर ली है ओ हेलो कंफर्म टिकट है मेरे पास चल 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 टीसी ने तो बेवकूफ बना दिया टिकेट तुम्हारा नाम छोटे लाल हाँ। और उम्र 50 साल है क्यों कोई डाउट है तुम्हें क्या मैं लल्लू लाल लगता हूँ अगर मैं 50 का नहीं तो आप भी लल्लू लाल नहीं है। सर सच कह रहा हूँ सर मेरी उम्र 50 है आप बताइए आपकी उम्र क्या है 50 में कम झूठ मत बोलिए लड़कियों के सामने तो बिल्कुल नहीं आप तो 30-35 के गबरू जवान लगते हैं लड़कियाँ आपको टुकुर टुकुर निहार रही हैं और वो आखिरी वाली है ना वो तो शायद आपको आई लव यू भी कह दे अब क्यों तुम्हें आदत नहीं है क्या हम दोनों के बीच में इन बेचारियों को बीच में क्यों ला रहे हो सर मेरी सीट कहाँ है पीछे कोई भी खाली सीट जाके कब्जा कर लो बाय पागल है ये इसे यकीन नहीं है मेरा नाम छोटे लाल है मुझे भी नहीं है क्यों सर छोटे लाल मेरा भाई है तो मैंने टिकट कैंसिल करने के लिए बोला था लेकिन उसने तुम्हें बेच दी कमीना कहीं का पहले नहीं बता सकता था क्या हुआ क्या चाहिए टॉयलेट में जा रहे क्या आखिर बात क्या है टिकट और पैसे वाला बैग चोरी हो गया चलो छोटे लाल को बोलते हैं वो हमारी मदद करेगा नहीं ए तू चुप कर तू एक काम कर उसे बुला हाँ बुला अंदर आओ इतनी फास्ट है सर हम सबको कुछ करो ना जल्दी से सर सर इसे हिंदी ठीक से नहीं आती हमारी टिकट गुम गई है सर प्लीज हमें टीसी से बचा लो सर प्लीज सर प्लीज सर ठीक है ए तुम्हारा नाम क्या है मैं तुम्हें क्यों बताऊं फिर मैं क्यों मदद करूं रुको सर ठीक है कांतम्मा कांतम्मा अगर तुम छोटे लाल हो सकते हो तो मैं कांतम्मा नहीं हो सकती ओह तुम्हारा नाम क्या है प्रियतम्मा और तुम तम्मा तम्मा इसकी अम्मा नेक्स्ट उसकी अम्मा सबकी अम्मा आत्मा क्या कहा तुम बुरी आत्मा हो नहीं अच्छा आत्मा हूँ ओके ऑल यू मॉम्स गो टू द बाथरूम बाथरूम लेकिन क्यों जितना कहता हूँ करो टिकट दिखाओ ओ छोटे लाल अंदर तुम हो यस सर काम पूरा करके निकलना बचा लिया मैं कितना स्मार्ट हूँ ना बाहर जाने पर टीटी फिर से आया तो टिकट्स दिखा देना अरे टिकट कहाँ से दिखाएंगे वो बैग तो घूम गया वो बैग कहीं ये तो नहीं पिज्जा स्पॉट सर नमस्ते सर
सर गुड मॉर्निंग सर। लगता है दूर की नजर कमजोर है। सर गुड मॉर्निंग सर। सर सर खुली आंखों से सो रहा था। हाँ बोलो। सर मेरा नाम बनी है सर और मैं वाइजैक से आया हूँ। तुम इतनी दूर सिर्फ अपना नाम बताने आए हो? सिफारिश जी। गौरव नायडू को मेरा प्रणाम। इज्जत हजम हो रही है तुम्हें? एक झापड़ मारूंगा तो बचे खुचे बाल भी उड़ जाएंगे, इतने मान नहीं हुए तुम। क्या देख रहा है? आंखें खोलकर सपने देखने की आदत नहीं गई इस उल्लू की। एक छोटा सा काम था इसलिए याद किया था। ये गाय जैसा लड़का मेरा रिश्तेदार है। अब आता हूँ सबसे खास बात पर। ये लड़का बचपन से अनाथ है, इसे MBA में एडमिशन मिला है, पढ़ाई के साथ काम करके अपना खर्चा भी निकालना चाहता है। अब तुम इसे एक नौकरी दे ही दो। ए, मैंने ऐसी हाई लेवल की सिफारिश किसी के लिए नहीं की। लेटर पढ़ते ही उसका बाप भी नौकरी देगा। बस तुम एक अच्छी सी स्माइल दे देना। उसके बाद वो उल्लू तुमसे एक सवाल पूछेगा। वो गधा अब तक मरा नहीं? जिंदा है। उस कमीने ने मेरी लाइफ नरक बना दी थी। स्कूल में लड़कियों के सामने एक बार मेरी पैंट उतार दी थी, मेरी पुंगी बजा दी थी। सर बहुत मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिना इस सिफारिश लेटर के आते तो शायद तरस खाकर नौकरी पर रख लेता, और अब यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। कोई जॉब वॉब नहीं है। गेट आउट सर। प्लीज सर गेट आउट प्लीज। बड़ी मेहनत से वो पैंट वाला किस्सा भूला था, फिर से याद दिला दिया। अरे क्या हुआ, ये शोर कैसा है यहाँ? सर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स लड़की छेड़ रहे थे, मना किया तो मुझे फोड़ा, फिर दुकान को तोड़ा। उसकी मुसीबत हो गई। सर इनका इलाज तो मैं कर दूंगा। आपने सिफारिश के नाम पे नौकरी नहीं दी, टैलेंट के नाम पे तो देंगे ना? कैसा टैलेंट? कौन सा टैलेंट? एजुकेटेड फूल्स। कानों में ठंड लग रही है क्या? म्यूजिक सर, बेसिकली मैं म्यूजिक के बिना फाइट नहीं कर पाता। म्यूजिक और फाइट, ये कौन सा फ्यूजन है? देखते जाइए। ए, क्या वे तुम लोग खुद को भाई समझ रहे हो क्या? बोल रहा है। बैटरी तो है ही नहीं। पीटने का टैलेंट दिखा रहे हो या पिटने का? वो क्या है ना सर, वॉकमैन में बैटरीज खत्म हो गई हैं। कोई गाना बजा सकते हैं क्या? क्या गाना? ए गाना ऑन। ए गाना लगा रे। जब तक ये म्यूजिक चलेगा मेरे हाथ चलेंगे। अरे सर म्यूजिक चालू करो सर। ए कोई तो म्यूजिक ऑन कर दो यार प्लीज। ए म्यूजिक नहीं है तो गाना ही गा दो यार। टी शर्ट ओ मुंडा मेरा टी शर्ट पे। टी शर्ट पे मिलता है, टी शर्ट पे मिलता है। उछल के कूद के हाथ घुमा के, गुंडों को मारे हीरो लात घुमा के। उछल के कूद के हाथ घुमा के, गुंडों को मारे हीरो लात घुमा के। अरे मुंह तोड़, अरे हाथ तोड़, अरे दे धपा दब, दे धपा दब, मार 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 मार, बना दे उसका भुर्ता। ए रुक रुक जा भाई, अगर इसे इतना मारेगा तो ये तो मर जाएगा ना। क्या एक्शन था यार। थैंक यू बॉस। वेरी गुड, तुम्हें रख लिया नौकरी। थैंक यू सर। नाउ शर्तें लागू। हर तरह का काम करोगे, होम डिलीवरी के लिए भी जाओगे, खाना और सोना, नहाना धोना एकदम फ्री। सुबह करोगे काम, कॉलेज जाओगे शाम। थैंक यू सर। 30 मिनट्स में डिलीवरी नहीं हुई तो तुम काम करोगे फ्री, नो थॉट। वेलकम टू पिज्जा स्पॉट। सूर्या जल्दी आ, ये देख हमारी मधु को गोल्ड मेडल मिला है, कॉलेज के मैगजीन में फोटो भी छपी है। सिर्फ मधु?
ये तुमने क्या कर दिया? इतना छोटा नाम, पिता का नाम कहाँ है? सरनेम भी नहीं है। बगैर मेरे नाम के तुम्हारी पहचान कैसे बनेगी? आइंदा ऐसी फालतू की खबर मेरे सामने मत लाना। सुन लिया ना दादी, हो गई तसल्ली? बेवकूफ है वो, उसने तुम्हारी कदर नहीं की तो क्या हुआ? अगर तुमने इस साल अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो इस खानदान की तुम पहली डॉक्टर बनोगी। सच में तुम्हारी माँ जिंदा होती तो आज बहुत खुश होती। गुड मॉर्निंग सर, मैं एसीपी रतन हूं। मुझको सस्पेंड किया गया है। सबने मुझसे कहा कि एक बार मैं आके आपसे मिल लूं। बोरिंग लाइफ, सस्पेंडेड और बेरोजगार भी। ए, इसके लायक कोई काम है क्या अपने पास? धोबी नहीं आ रहा, इससे कपड़े धुलवा लेते। ए, कपड़े नहीं रहे, संडास साफ करवाते हैं। बेरोजगार को कोई भी काम चलेगा, मन लगाकर काम करना। क्यों रे, करेगा ना? और जूते भी पॉलिश करना। गप्पू जी मालिक, बचा कुचा खाना दे देना इसको, और जूते सिर्फ मेरे, सबके मत दे देना। संडास साफ करना, इस्तेमाल नहीं। अगर लेट हुई पिज्जा डिलीवरी तो कट होगी तेरी सैलरी। और जैसे ही फाइट शुरू होगी, हमारा हीरो बाइक के साथ एंट्री मारेगा। कमाल बंदा। अरे ये बाद में निकाल लेना। देखो मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो प्लीज, ऑर्डर इम्पोर्टेंट है। पिज्जा डिलीवर नहीं हुआ तो मेरी सैलरी से कट जाएगा, प्लीज चलो ना प्लीज। सर ऑन टाइम डिलीवरी सर, यहाँ साइन कीजिए। ये कौन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इतनी खराब चॉइस नहीं है मेरी सर। क्यों, कुछ गलत कहा? शट अप। अरे देखने में तो अच्छी है। इससे अच्छे तो हमारे पिज्जा हैं, खाइए और ऐश कीजिए। हेलो सर, डिलीवरी ऑन टाइम हो गई है सर। ओके सर। हे, ये क्या? कांतम माँ का लगता है। ओ सो क्यूट। ये तुम्हारा ही है ना? किसी और की चीज रखना गलत होता है, और औरतों की चीजें तो बिल्कुल नहीं रखते। क्या कर रही हो, मूर्ति खरीद रही हो? देखो तो कैसी है ये। हाय गणेश। ओ ए कांतम्मा, रुपीज 4000 ओनली, कैसी चालू लड़की है, मूर्ति तोड़ कर खिसक गई। ए मिस्टर, इसे तुमने क्यों तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा सर, वो लड़की तोड़ के चली गई है। कार की बात मत करो, 4000 रुपए निकालो। हेलो, इसे नुक्कड़ चलाया होगा, 40 रुपए की है ये। हमने इसे जहाँ मर्जी से लाए हो, आप 4000 रुपए निकालो, अब जल्दी से निकालो। 40 रुपए चाहिए तो बोलो, वरना नहीं दूंगा। पैसे देते हो या पुलिस को फोन करूं? पुलिस आके क्या आपको 4000 रुपए देगी? सर पैसा नहीं है ना। हेलो, ये बिल मैं पे करूंगा। सर थैंक यू सर, आपने तो आज मुझे बचा लिया, लेकिन आप हैं कौन? मुझे नहीं जानते, फाइट मास्टर जीवी हूँ। उस दिन ट्रैफिक में तुमने बाइक को क्या जूम जूम निकाला। थैंक यू सर। फिल्मों में काम करोगे? क्या कहा, मैंने तो सोचा ही नहीं था फिल्मों में हीरो का काम करूंगा। हीरो के लिए नहीं,
डुप्लीकेट। डुप्लीकेट? बिल्कुल सही, मेरी फिल्म में बाइक स्टंट का एक सीन है, अगर तुम करोगे तो 1,00,000 रुपए दूंगा। 1,00,000? हाँ 1,00,000, तुम में टैलेंट है, उसका इस्तेमाल करो। ये लो मेरा कार्ड रख लो, शूटिंग लोकेशन पर आ जाना। ओके एक्शन। ए कट 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 कट, ए क्या कर रहा है तू, क्या काम के नीचे सीधी चलाने को था ना गधा नालायक कहीं का। अरे सर बाइक प्रॉब्लम दे रही है। बाइक प्रॉब्लम दे रही है मुझे, तू प्रॉब्लम दे रहा है। एक काम कर, चुपचाप पतली गली से घर निकल ले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डायरेक्टर साहब, यही है वो लड़का। ओके। हेलो सर। सुन बनी, हुनर दिखा जरा अपना। ओके। उस बिल्डिंग की टेरेस से उस बिल्डिंग की टेरेस पर बाइक कूदानी है बस, उसके बाद पैसा किसे मिलेगा? अरे तुझे ही मिलेगा और किसे। क्या बात कर रहे हैं सर, बाइक तो नीचे आ जाएगी, मैं पैसे लिए बिना ऊपर चला जाऊंगा। यू आर वेरी फनी। नो सर, आई एम बनी, वेरी सीरियस सर, आपकी 1,00,000 के चक्कर में जिंदगी नहीं गंवानी। ए दीपा, एक मिनट फोन देना। थैंक यू मालिक। मिटिया का फोन है। हेलो पापा जी, मैं हूँ। किसने फोन किया? आज कॉलेज में एक एक्स्ट्रा क्लास है, इसीलिए मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, बस यही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया था। इतनी सी बात के लिए क्यों फोन किया, पढ़ाई में ध्यान दो। थैंक यू पापा जी। ए, जी उसने कहा कि उसकी एक्स्ट्रा क्लास है। हाँ। जरा पता लगाओ। अभी लगाता हूँ। तो तूने उसे जवाब नहीं दिया? थैंक्स। बहुत जल्दी बात हो गई। तो ये बता कैसा है तेरा बॉयफ्रेंड? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। गुस्सा क्यों हो रही है, आजकल तो बॉयफ्रेंड बनाना फैशन है। अरे तू किसे समझा रही है, किताबों से नजरें उठाएगी तभी तो बॉयफ्रेंड बनाएगी। बिल्कुल सही, मेरा प्यार, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा सब कुछ मेरी पढ़ाई है। मजाक मत कर। ये मजाक नहीं, मेरे पापा जी एक पॉलिटिशियन है, अगर उन्हें पता चला कि मैं किसी से प्यार करती हूँ तो वो मेरी पढ़ाई रुकवा कर मेरी शादी करवा देंगे। इसीलिए आईने इस टॉपिक पर बात मत करना, मुझे देर हो रही है। बाय। हाय, मैं हूँ शिल्पा भास्कर जिम टीवी से। आज के प्रोग्राम में हम युवाओं के विचारों को जानेंगे कि वो लाइफ में क्या चाहते हैं। हेलो सर। हाय, क्या बात? अगर आप हमारे सवालों के सही जवाब देंगे हाँ। तो हम आपका फेवरेट गाना सबको सुनाएंगे। ये बात है तो पूछो। आपका नाम? बनी। ओके, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा भैया भाभी दादा दादी दीदी, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है? तो तुम अनाथ हो? हाँ। अनाथ होकर तुम इतना खुश कैसे रह सकते हो? तो क्या मुझे रोना चाहिए कि मैं अनाथ हूँ, जब मेरा कोई इस दुनिया में है ही नहीं तो दुखी किसके लिए होना है। मैं अकेला हूँ और खुश हूँ, दुनिया के सभी लोग मेरे रिश्तेदार हैं। वाओ। नेक्स्ट, प्यार के बारे में क्या राय है? तो फिर दोस्ती के बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन है? उसके बारे में मेरी ओपिनियन थोड़ी हटके है, पहले दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं फिर प्यार की बातें करते हैं, ऐसी दोस्ती में मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। इस शो के जरिए आप किसी खास दोस्त के लिए मैसेज देना चाहेंगे? दोस्त एक दुश्मन के लिए है। हे कांतम्मा, कहाँ छुप के बैठी है, मेरे 4,000 का नुकसान करवा के पतली गली से भाग गई। अगली बार मैं नहीं छोड़ूंगा तुझको, जो पढ़ाई तू कर रही है उसमें तू फेल हो जाए, पास भी हो तो सिर्फ पासिंग मार्क्स से। जिस अजगर से तेरी शादी हो वो तुझे निगल कर खा जाए, तेरी सास एक नंबर की डायन हो, तेरा चलना फिरना उठना बैठना सब दुश्वार हो जाए। ये मेरी बद्दुआ है, मेरा श्राप है, मेरी हाय है। कांतम्मा जी, इसके पैसे वापस लौटा दो, शायद ये अपना श्राप वापस ले ले। अब ये बताओ कि यंगस्टर्स ऐसा क्या करे कि वो तुम्हारी तरह ही खुश रह सके? इसका जवाब मैं इस एपिसोड में नहीं दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं 3 दिन से डांस क्लास नहीं जा पा रही हूं। लेकिन क्यों? रोज दीदी दीदी बहुत भूख लगी है, कल सुबह से कुछ नहीं खाया है। अच्छा खासा तो है, काम क्यों नहीं करता? अगर काम करूंगा तो चाइल्ड लेबर वाले पकड़ लेंगे। ये लो, इतने कम पैसों से इतना बड़ा पेट कैसे भरेगा? पूरी ट्रेनिंग लेके आया है बदमाश कहीं का, कुछ मत देना इसे। इसकी क्या गलती, भूख सब सिखा देती है। चलो मैं कुछ खिला देती हूँ।
सही है, ऐसे ही लोग बिगड़ते हैं। बैठो। ए वेटर। इसे तो पहले चेक करना होगा, ये जाग रहा है या सो रहा है, क्या करूं? अबे गधे, ये बंदर सी शक्ल बनाकर कस्टमर को भगाएगा क्या? सॉरी सर। ऑर्डर ले। ए, क्या चाहिए? ए, इज्जत से बात कर कस्टमर से। योर ऑर्डर मैडम। नए हो क्या? मेन्यू कार्ड लाओ। इससे तुम कोई बात नहीं दीदी, मैं ऑर्डर करता हूँ ना। ठीक है, bruschetta with extra mozzarella cheese and red chili flakes, jalapeno poppers with extra mayonnaise dip, nachos with Mexican beans, black olives, green olives, jalapenos with salsa sauce and sour cream, chocolate brownie with double scoop of vanilla ice cream. ए वेटर, सब फ्रेश लेकर आना। ए, इतना खाना तूने अपनी जिंदगी में देखा भी है क्या? शट अप, भूलो मत तुम एक वेटर हो, साहब ने जो ऑर्डर किया है लेकर आओ जल्दी। ये साहब है तो मैं अमिताभ बच्चन। बहुत भूख लगी थी, कुछ गलत किया क्या? गलत तो मैंने किया, तुम यहाँ आराम से खाओ, मैं अपने दोस्तों से पैसे लेकर आती हूँ, ठीक है? ए, कहाँ से आया तू? ये पूरी दुनिया मेरी है बेटा। चुप बे, तेरे दोस्त कहाँ है बे? सब काम धंधे में बिजी होंगे। तो वो बेचारे काम करेंगे और तू फोकट की रोटियाँ तोड़ेगा। ऐसा क्या? मेरी बात भेजे में घुसी ना। हजार? इतना कैसे? ऐसे दिमाग खराब है क्या? इसने जो बोला सब ले आए? मैडम आई एम ओनली अ वेटर, इसने जो ऑर्डर दे दिया मैंने ले लिया। थैंक्स दीदी। तेरी तो इतने पैसे कहाँ से लाऊं? hey, पैसे चुकाओ फिर बाहर जाओ। ठीक है मैं जाकर अपने दोस्तों से पैसे लेकर आती हूँ। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैं भी साथ चलूंगा, रुको। ऐसे बेईमान बच्चे पर तो मुझे विश्वास ही नहीं करना चाहिए था, कहाँ फंसा दिया। मेरे पीछे क्यों बैठे हो? अपनी बाइक पर आओ। फिर से भागने का प्लान है? पहले ही 4,000 का चूना लगा चुकी हूँ, तुम पर भरोसा कैसे करूँ? आगे देखो और तेज चलाओ, चलो टाइम नहीं है। रुको 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 रुको। ए, इस स्पीड से चलोगी तो पैसे मिलने में 10 दिन लगेंगे, नीचे उतरो। अरे देखो मधु बिटिया किसी के साथ स्कूटर में बैठ के जा रही है। अबे तू क्या देख रहा है, गाड़ी घुमा। गाड़ी को पार्क कर दो, मैं पैसे लेकर आती हूँ, ठीक है? पीछे से भाग नहीं जाओगी ना? भागी तो इसे बेच देना। अच्छा, ये चोरी की हुई तो? Come on, भाई एक मिनट। पिज़्ज़ा शॉप में उसी ने हम लोगों की धुलाई की थी। यारे तूने मेरे जूनियर्स को मारा था, आज तेरी सारी हीरोपंती निकालता हूँ। अरे भाई देखो, रात गई बात गई, उस बात को भूल जाओ ना प्लीज। देखो मैं कोई, रुक जाओ सब लोग, तुम सब उसे एक साथ मारोगे तो गेम जल्दी खत्म हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। अगर तुम सब उसकी एक एक मिनट तक धुलाई करोगे तो 15 मिनट तक फुल टाइम पास। भैया प्लीज, इसे तो मम्मी की याद आ गई। मेरी बात समझो ना, मुझे ड्यूटी पर जाना है, 15 मिनट में दुकान पहुंचना है, 3-3 करके आओ ना। 5 मिनट में खेल खत्म। हवा निकल गई। तुम लोग तो बहुत कमजोर हो, तुम लोग चार चार करके आ जाओ, टाइम बच जाएगा।
भाई सुनो। अबे म्यूजिक की बिना फाइटिंग कैसे करा है? ए, हर बार म्यूजिक नहीं चाहिए, मूड भी चल जाता है। अरे भैया एक मिनट में चार मारने हैं, पर तुम तो दो ही हो, दो और ले आओ। नहीं माफ करो। अरे आना आ। ए, अब तू क्यों रो रहा है? एक लड़की तुम्हारी गाड़ी ले गई, मैं तुम्हें यही बताने आया था और तुमने मेरी धुलाई कर दी। फिर से बिटिया आ गई। इतनी देर तक तुम कहां थी? कॉलेज गई थी। ठीक है, आपने लड़के के बारे में नहीं पूछा। बनी वो जो लड़की पैसे दिए बगैर भाग गई थी ना, क्या? उसने पैसे दे दिए हैं। सच कह रही हो? वो देखो वो रही। लगता है सुधर गई। बनी बनी छोटी सी हेल्प करना। कैसी है? यार वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना शांति, वो कई दिनों से मुझसे बात नहीं कर रही है। तू ये लेटर जाके उसकी बुक में रख देगा प्लीज? ए, मुझे क्या कबूतर समझा? नहीं रे भाई, मैं ऐसे काम नहीं करता। अरे यार तू ही तो है एक जो मेरी प्रॉब्लम को समझ सकता है, प्लीज यार तू मेरा भाई है ना। अच्छा, अच्छा, कहाँ है? वो जो ब्लू कपड़े में बैठी है ना उसको जाके दे। जाना है। ओह दुश्मन की दोस्त है। थैंक्स। हाय कांतम्मा, मैंने पैसे दे दिए हैं, अब मुझसे बात मत करो। ओके। बात तो तुम अच्छा करता है लेकिन पिज्जा एकदम बासी देता है, ये कल का है या परसों का? देखिए मैडम, यहाँ सब कुछ बहुत फ्रेश मिलता है, आप ही की तरह। हाँ, हाँ या ना? अब खाओ। आई बड़ी, मैं चलती हूँ, देर हो गई तो पापा चिल्लाएंगे। बनी तूने मेरा लव लेटर गलत बुक में रख दिया यार, वो जा रही है। ए कांतम्मा, ए कांतम्मा रुक। ए क्या है मेरा लव लेटर? ए लेटर ही तो था, विल सी इट लेटर। क्या खुशबू है, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी कुक। क्या कर रही है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो अंदर आओ। तुम खाओ बेटा। नहीं। जी पापा जी। इसका नाम अरविंद है, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, हमारी बिरादरी का सबसे अमीर आदमी। सिर्फ फोटो देखकर ही शादी करने के लिए राजी है। अगले महीने की 10 तारीख को मुहूर्त है। ए, शादी में सिर्फ 20 दिन बचे हैं। दिल्ली में पीएम और सारे मंत्रियों को न्योता भेजना है। सारे मंत्रियों को हेलीकॉप्टर से आने का इंतजाम करो। जाओ तैयारी शुरू करो। ये सब इतना अचानक से पापा, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? तुम ही बताओ क्या गलती हुई है। नहीं। ए, मालिक, उस दिन तुमने इसे कहां देखा था? नागार्जुन सर्कल पे एक लड़के के साथ बाइक पर जा रही थी। हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है पापा जी, वो तो पिज़्ज़ा स्पॉट। एकदम चुप। अगर कुछ भी नहीं है तो ये लव लेटर तुम्हारी किताब में कैसे पहुँचा? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता पापा, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन। अरे कोई अपनी जवान बेटी पर इस तरह हाथ उठाता है क्या? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ समझी? मैंने तुम्हें कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा था, प्यार करने के लिए नहीं। नाक कट जाएगी हमारी अगर हमारी बेटी ही बिरादरी के बाहर शादी करेगी तो। पापा जी मैं सच कह रही हूँ। बकवास बंद करो, एक बात कान खोल कर सुन लो, आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। मधु, इसका मतलब तेरी अब तक की सारी पढ़ाई पर पानी फिर गया? अगर तुम्हारी बुक में वो लेटर रखने वाला कहीं मिल जाए ना तो उसका चूरमा बना दूंगी। किसके गम में ये शोक सभा मनाई जा रही है? ए, इसकी अम्मा हट। ए, उसकी अम्मा हट। ओ, बुरी आत्मा कैसी है?
एकांतम्मा, कल मैंने दुकान में गलती से तुम्हारी किताब में लव लेटर रख दिया था, पर वो तुम्हारे लिए नहीं, शांति के लिए था। विजय ने भेजा था। थैंक्स। ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, एक वक्त पे एक जन बोलो। ये क्या किया तुमने? तुम्हारी वजह से मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अगर ये शादी हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। हे, ये सब होगा मैंने नहीं सोचा था। I'm really very sorry. मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई बंद हो रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। It's a promise. अरे यार टेंशन मत ले, मैं अकेले इस शादी को रुकवा दूंगा, हाथ पैर तुड़वा दूंगा उसके। बता दे वो है कौन? है कोई डीसीपी अरविंद नाम का। डीसीपी अरविंद? वो खाना कम खाता है, एनकाउंटर ज्यादा करता है। भाई उसे छेड़ना यानी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना, वो अपनी गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून सब गोलियों से करता है। ए बनी, हम लोग अफवाह उड़ाते हैं कि डीसीपी को एड्स हो गया। ये आउटडेटेड आइडियाज देना बंद करो। सर डीसीपी अरविंद बोल रहे हैं। yes, speaking. सर मेरा नाम बनी है, मुझे आपसे मिलना था, कुछ पर्सनल बात है। यार बनी, अंदर जाकर तू क्या बोलेगा? वो मैं नहीं जानता, बस एक ही बात जानता हूँ, ये शादी रुकवानी है। यार विजय। हाँ बोलना। अगर आज यहाँ मौत हो जाए तो क्रियाकर्म चंदन की लकड़ी से होगा। अरे कुछ नहीं होगा तुझे, मैं जो हूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा था, हा? तेरी बात कर रहा था। इस सारे फसाद की जड़ तेरा वो लेटर है। 5 मिनट वेट करो, सर आ रहे हैं। हाँ ठीक है। ए बनी, डरना मत, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कहाँ है वो गुंडे? साले कुत्ते, गुंडागर्दी करेगा, हाँ? बाप का राज समझ रखा है। अगली दफा एनकाउंटर कर दूंगा। सर मैंने फोन किया था। क्यों किया था? सर मेरा नाम बनी है, जरूरी बात करनी थी। ओ बनी। हाँ यस सर। सिट सिट सिट। व्हाट्स द मैटर? सर आप ही मधुमती से शादी करने वाले हैं ना? हाँ, कोई शक है क्या? मैं ही कर रहा हूँ, बात क्या है? सर एक्चुअली सर वो कम ऑन, बड़ा फुटेज खाते हो। सर आप ये शादी कैंसिल कर सकते हैं क्या? क्या? हाँ? क्या ये क्या बोल रहा है तू? व्हाई? हाँ? इसकी वजह क्या है? बोल। आखिर तेरा इंटेंशन क्या है? बताना मुझे। तू मेरी शादी रोकेगा? तू मुझे बोलेगा और मैं तेरी बात सुनूंगा? तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू मेरी शादी क्यों रोकना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, अभी तो तू मुझे बताएगा कि मैं मधुमती से शादी क्यों ना करूं? तुझे बोलना ही पड़ेगा, आखिर वजह क्या है? बोल, तू मेरी शादी रोकना क्यों चाहता है? बता। तू बोलता है कि मैं तुझे ठोक डालूं। मधुमती और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। तेरी तो मैं तो जा रहा हूं, मुझे दौर से सुसु आ रही है। तेरे दिमाग में गोबर भरा है, मैं मर जाऊंगा। क्या बोल रहा है? तुझे पता भी है तू मेरी मंगेतर से प्यार करता है? सर सर मुझे माफ कर दीजिए सर। सर सर प्लीज गोली मत चलाइए, प्लीज प्लीज सर। ए तू करता क्या है? व्हाट? पिज्जा डिलीवरी। पिज्जा डिलीवरी करता है यार। हट। हे हे, जानता है वो कितने बड़े बाप की बेटी है? और तू मेरा स्टेटस जानता है? मैं उसे रानी की तरह रखूंगा, रानी की तरह। और तेरी शक्ल देख, शिट शिट। देख, तुझे जो बोलना है बोल, लेकिन मेरी शादी तो मधु से ही होगी।
अब पिज्जा की बास बहुत आ रही है, निकल ले जा। फुट। शादी कर लो आप कर लो शादी उससे, लेकिन शादी होते ही वो अपनी जान दे देगी और उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं अपनी मधु के बिना इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। हमारे मरने के बाद आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मेरी मधुमती को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तू सिर्फ मेरे लिए बनी है मधुमती। अगली डिलीवरी करने में 5 मिनट बाकी है। ओके। क्या बात है कांतम्मा, आज बड़ी चहक रही हो। शादी कैंसिल हो गई क्या? कम से कम थैंक्स तो बोल दो। थैंक्स क्यों बोलूं? गलती तुम्हारी थी, तुम्ही ने ठीक किया। अच्छा। सारी हवा निकल गई ना। मैं भी डर गया था जब डीसीपी ने कनपट्टी पर असली गन रख दी थी। जान पे खेल के बचाया तुम्हें, थैंक्स भी नहीं बोलती। हेलो सर, 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 मुझे जाने दो। सर, 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 कौन था? तुम्हारा डीसीपी था, हम दोनों को लंच पे इनवाइट किया है। अकेले ही जाओ। जाता हूँ। अगर उसने इस बार गन दिखाई तो सच बोल दूंगा और तुम दोनों की शादी फिक्स करा दूंगा। शादी मुबारक हो। मैं आ रही हूँ ना। अब मुझे नहीं आना। प्लीज 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 प्लीज। I'm sorry बनी। मैं बाहर से जितना कड़क हूँ अंदर से उतना ही नरम। Actually I'm a gentleman। सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए और धोखेबाज लोगों के लिए ही मैं सख्त हूँ। उनको ऐसा सबक सिखाता हूँ कि वो सीधे हो जाते हैं। Anyways, तुम दोनों तो मासूम गुलाब की तरह हो। I'm sorry। कोई बात नहीं सर, आपने हमारे जज्बात को समझा, इतना ही काफी है। एक बात बताओ मधु, बनी की सारी खूबियों के बारे में तुम्हें पता है? तुम लोग एक नंबर के कमीने कुत्ते और धोखेबाज हो। अगर एतराज ना हो तो पहली बार तुम दोनों कैसे मिले थे? अगर कुछ पर्सनल हो तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा ठीक है, तो बताओ। वो दीपावली की रात एक पिज्जा ऑर्डर कैंसिल होने के बाद मैं उदास होकर सड़क के किनारे बैठा था। एक हंसी की आवाज आई। सोचा अगर हंसी इतनी मीठी है तो हंसने वाली कितनी सुंदर होगी। अच्छा। फिर मैंने उस लड़की को कार से उतरते हुए देखा। उस लड़की ने अनार जलाया और उस अनार की रोशनी में मैंने दो सुंदर पैर देखे, उसके खूबसूरत हाथ, सुराहीदार गर्दन और फिर उसका चेहरा। वो थी मधुमती। ठीक रहे। सही समझे सर, क्या जजमेंट है। इसे कहते हैं पुलिस वाला, हुलिया बताते ही चोर को पकड़ लिया। किसी भी हिट फिल्म का सीन बता दिया और ये पागल उसे सच समझ रहा है। सर, आप फिल्में नहीं देखते हैं क्या? नाम मत लीजिए फिल्मों का, उसमें सिर्फ झूठ बोलने वाले लोग होते हैं। और सुनिए, दूसरी मुलाकात, प्यार का इजहार, एयरपोर्ट वाला सीन और विलन की एंट्री भी। नहीं 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 नहीं, एक सीन से ही पर्दे फट जाएंगे। वो एक सीन छू गया यार। क्या सोच रहा है तू? तू नहीं करना चाहता? अगर तुम कह रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। अच्छा सूर्या, मैं चलता हूँ। ठीक है। टॉमी। मधु। पापा जी आप। मुझे बहुत बुरा लगा जब डीसीपी ने तुमसे शादी से इनकार कर दिया। तुम्हें भी बुरा लगा था? बताओ बेटा, घबराओ मत। हाँ लेकिन तुम इसकी चिंता मत करो, मैं उसी तारीख को तुम्हारी शादी करवाऊंगा। शादी कैंसिल नहीं होगी तुम्हारी। मेरा दोस्त है ना वो सुबू, उसका बेटा है रवि।
वो डीसीपी से भी बहुत अमीर है, बस वो पढ़ा लिखा नहीं है। पापा जी, इस बार मुझसे क्या गलती हुई जो आप फिर से मेरी शादी करवाना चाहते हैं? बात यह है बेटी कि मैंने सबको 10 तारीख का बता दिया है, सारे मिनिस्टर्स को इनविटेशन भी चला गया है, पहले से होटल्स भी बुक करके रखे हुए हैं। अपनी बिरादरी में नाक कट जाएगी अगर ये शादी नहीं हुई तो। क्या इसके लिए मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी? इस पढ़ाई में आखिर रखा ही क्या है, कोई जरूरत नहीं, बहुत बड़ा खानदान है उनका। पापा जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा? फिर से कहा तो जान ले लूंगा तुम्हारी, ये शादी होकर रहेगी। अरे हटो, इसको तो हटाओ। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज। सुनो, सुब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी होने वाली बहू आगे पढ़ाई करे। मुझे नहीं पता कि तुमने शादी से इनकार क्यों किया। ये लो शादी का कार्ड, पहला इनविटेशन कार्ड तुम्हें दे रहा हूं। शादी उसी जगह और उसी दिन होगी, लेकिन तुम उस जगह के आसपास भी मत भटकना। ए बनी, सुन, तेरा बॉस आया है। ए, मेरा कोई बॉस नहीं है। तो फिर वो कौन है? सर, आप यहाँ कब आए सर? एक मिस कॉल दे देते, मैं खुद हाजिर हो जाता। इसे देखो। अरे वाह, मैरिज कार्ड, रवि वेड्स मधुमती। क्या यहाँ पर पिज्जा डिलीवर करना है सर? जरा गौर से पढ़ो। पढ़ा तो था, वेनु वेड्स मधुमती। मेरी मधुमती की शादी हो रही है किसी और से। तुम्हें नहीं पता था? नहीं पता था सर। अब क्या करोगे? अब लाइफ में रह ही क्या गया है सर, जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा और कोई रास्ता नहीं बचा है। आ मेरे साथ। ये तो मरवा के रहेगा। अबे कहाँ जा रहा है? अरे मुझे क्या पता कहाँ ले जा रहा है। हाय बनी। सारी फसाद की जड़ तुम दोनों हो। इडियट। दीदी, आपको पुलिस बुला रही है। हाय मधु। ये यहाँ किस लिए? सर, आप यहाँ पर? कुछ बात करनी थी। कौन सी बात? आओ मेरे साथ बैठो। ये बंदर यहाँ भी आ गया। ए, बनी, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या पता? सच्चाई बता दो। तुम बताते हो या मैं? सर, हम दोनों के बारे में कुछ बताना था। बोलो। सर, मैं कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। बात यह है कि एक्चुअली यस सर, खबरी ने जो खबर दी थी वो झूठ थी, उसने हमसे झूठ बोला सर। क्या? मुझसे धोखा? यस सर। उसे फेक एनकाउंटर में उड़ा दो, भूखे भूखे शेर के पिंजरे में डाल दो, उसे जिंदा नहीं छोड़ना। आई वॉन्ट हिम डेड 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 डी डेड डेड डेड। कंट्रोल कंट्रोल डीसीपी, आई एम सॉरी। तुम दोनों तो मेरे मासूम गुलाब की तरह हो। वो क्या है ना, मूड खराब हो जाता है जब मुझसे कोई झूठ बोलता है ना, तो उसका एनकाउंटर करने का मन करता है। कुत्ते की मौत देता हूं उन्हें। एक बार मैंने 5 झूठे लोगों का फेक एनकाउंटर किया। हमारे डिपार्टमेंट के लिए ये आम बात है। बनी, तुम कुछ कह रहे थे? मुझे क्या कहना था? क्या? कुछ भी नहीं सर। Let's go. क्या बात है, चलो चलते हैं। सर, सारी तैयारियां हो गई? यस सर। सर, आप हमें रजिस्ट्रार के पास क्यों लाए हैं? तुम्हारी शादी करवाने। सर, ये सरासर अन्याय है सर। लेकिन क्यों? मतलब मैं कह रहा था कि अचानक शादी करवाना गलत होगा। देखो,
अगर तुमने अभी शादी नहीं की तो मधु को हमेशा के लिए खो दोगे। इसकी शादी कहीं और हो जाएगी। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं बनी से। ए, चुप! कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें अपने तरीके से समझा दूंगा। सर, सर हमें 5 मिनट का वक्त दीजिए, बहुत बड़ा फैसला है ना, प्लीज सर। ओके। छोड़ो मुझे। देखो बस एक साइन करनी है फिर सारी मुसीबत खत्म। ए, क्या बोल रहे हो, जानते भी हो? साइन मतलब शादी, वो भी तुम जैसे फ्रॉड से। हे, फ्रॉड किसे? ठीक है, मानता हूँ मैंने डीसीपी के आगे हमारे अमर प्रेम की झूठी कहानी बनाई, लेकिन अगर उसे झूठ का पता चला तो वो मेरा एनकाउंटर कर देगा। मुझे मरना नहीं है, प्लीज मधु बस एक साइन कर दो, मैं कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। प्लीज मधु, तुम्हारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, प्लीज। साइन नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। ए, ये मौत की धमकी देकर क्या साबित करना चाहती हो? तुम्हारी वजह से मैंने उस डीसीपी से झूठ कहा था, सिर्फ तुम्हारे लिए। पर गलती तुम्हारी थी। सही कहा तुमने, मेरी ही गलती है। तुम ही ने रो रो कर कहा था अगर शादी हो गई तो तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। मैं बेवकूफ था जो तुम पर तरस खा लिया। सही है, मैं पुलिस स्टेशन अकेले उस डीसीपी की बंदूक का सामना करने चला गया था, इसीलिए ये भी मेरी गलती है। ये बस एक साइन की बात है मधु, आखिर तुम इसे शादी का नाम क्यों दे रही हो? कल ही हम किसी अच्छे वकील के पास जाकर तलाक ले सकते हैं, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। प्लीज मधु, सिचुएशन को समझो। ये मुझसे ना हो पाएगा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। ए, अगर इतनी भी हिम्मत नहीं है तो ये पढ़ाई का ढोंग क्यों कर रही हो? छोड़ दो, बाप की पसंद के लड़के से शादी कर लो। तुम्हारा पति तुम्हारा करियर खत्म करेगा और ये डीसीपी मुझे खत्म करेगा। बिना मकसद की जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। देखो मधु, यहाँ तुम साइन नहीं करोगी तो वहाँ तुम्हारी शादी हो जाएगी और उस असली शादी से तुम्हारे सारे सपने खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस नकली शादी से तुम पढ़ाई कर सकोगी, खुश रहोगी। मैं दोनों फैसलों के लिए तैयार हूँ। अगर तुमने इस साल अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो इस खानदान की तुम पहली डॉक्टर बनोगी। सुनो, सुब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी होने वाली बहू आगे पढ़ाई करे। अगर इतनी भी हिम्मत नहीं है तो ये पढ़ाई का ढोंग क्यों कर रही हो? छोड़ दो, असली शादी से तुम्हारे सारे सपने खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस नकली शादी से तुम पढ़ाई कर सकोगी, खुश रहोगी। मैं तैयार हूँ। मुबारक हो, ऑल द बेस्ट, विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। कम, चलो। कौन है सर? शायद शादी करने आए होंगे। एसीपी, तुम पुलिस ऑफिसर हो या शादी कराने वाले दलाल? अरे क्या देख रहे हो, मार दो इन सबको। मधु 30 मिनट पहले आपकी बेटी थी, लेकिन अब इसकी बीवी है। कोई आगे आया तो ठोक डालो। मधु का हाथ पकड़ो। सर, पकड़ो। कम। Come on guys, मेरे दो मासूम गुलाब के फूल, ये मेरा ही फ्लैट है। मधु से शादी के बाद मैं यहीं रहने वाला था, बट मेरी शादी तो हो न सकी, इसलिए तुम दोनों यहां रहोगे। Yes, तुम दोनों सेटल होने तक यहीं रहोगे। Come on guys, शर्माओ मत, शायद अभी तक विश्वास नहीं हो रहा ना कि तुम दोनों पति पत्नी बन गए। देखो, शुक्रिया मेरा अदा मत करना, बनी का करना। सर, हाँ मधु, बनी का सच्चा प्यार बेमिसाल है। रोमियो जूलियट, हीर रांझा की कहानी फीकी लगने लगेगी। तुमसे अलग होने की कल्पना से ही मरने को तैयार थी। तुम ही इसके जीने का मकसद हो मधु। हाँ? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया।
करना तो अब तुम्हें है। मुझे करना होगा? हाँ। थैंक यू सर। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू सर। खूब एंजॉय करना। ओके बाय बाय। बनी सर, क्या मैं कभी कभी यहाँ आ सकता हूँ? सर इसे अपना ही घर समझिए। ओह सॉरी, ये तो आपका ही है। यू आर ऑलवेज वेलकम सर। आई लाइक यू। बाय बाय सर। सॉरी मधु, सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। अचानक से तुम्हारे पापा आ गए और फिर डीसीपी हमें इस फ्लैट में लेकर आ गया और रहने के लिए कुछ कहने सुनने का वक्त नहीं मिलाना। मधु मधु, देखो तुम चिंता मत करो, महीने में 15,000 कमा लेता हूँ। ओवर टाइम करके 5,000 मिल जाते हैं, तो कुल मिलाकर महीने में 20,000 तो आ ही जाएंगे। शुरुआत में थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। क्यों नहीं हो पाएगा? क्या मतलब, तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हारी सचमुच में बीवी बन गई हूँ? पढ़ाई करने के लिए मैंने एक साइन क्या कर दी, तुम तो मुझ पर हक जताने लग गए। किसी कुएं में कूदकर मैं अपनी जान दे दूंगी और सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम लिख जाऊंगी। ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो? मेरा ये मतलब नहीं था। तुम अमीर घर की लड़की हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये सोचकर मैंने ऐसा कह दिया। वरना अगर मैं चुटकी बजा दूं या सिर्फ सोच लूं तो हजारों लड़कियां पीछे पड़ जाएंगी। जानती हूँ, मैंने लिफ्ट में देखा था, फ्रॉड हो तुम। हे, मुझे फ्रॉड बोल रही हो? कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? सड़क पे चलते हर आदमी को आई लव यू ऐसा क्यों कहती हो तुम? जंगली बिल्ली कहीं की। जंगली बिल्ली कहा तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तुम आवारा हो, निकम्मे हो। निकम्मी तू, निकम्मा तेरा बाप, उसको अपने गले में लटका के घूमना। जंगली बिल्ली जैसी हरकतें करेगी तो जंगली बिल्ली कहूंगा। इतने ड्रामे के बाद तू बजट के प्लानिंग की बात ऐसे कर रहा है जैसे तुम दोनों सच में पति पत्नी हो, बस इसी की कमी रह गई थी। मुझे क्यों मार रहा है? मनहूस कहीं का, तेरे उस सड़े हुए लव लेटर की वजह से ये सब हुआ है। जो हो गया उसके बारे में छोड़, अब ये बोल आगे क्या करेगा। कल सुबह तलाक ले लूंगा उससे। क्या कहा, कल शादी की और आज तलाक चाहते हो? ये नहीं हो सकता। सर सर ये बहुत जरूरी है सर, जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज सर। देखो बनी, शादी मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में हुई है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तलाक चाहिए तो कम से कम एक साल इंतजार करना पड़ेगा। पूरे एक साल? तुझे क्या लगता है डिवोर्स हल हुआ है? इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये रूल्स कितने अजीब है ना। और क्या? क्या हुआ, तुम लोग खड़े क्यों हो गए? अच्छा तू तू है? आप हो, मैं तो खामखा डर गया था। मुझसे डर नहीं लगता तुझे? सर आपसे डर कर तो मैं कांप रहा हूँ। कांप रहा हूँ? सीधा खड़ा रहे, काफी ओवर एक्टिंग हो गई। तूने उस सूर्य नारायण की बेटी से शादी कर ली, वो मुझे बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। आधे घंटे का टाइम है तेरे पास, ये खोली नौकरी छोड़नी होगी तुझे। सर ये तो नाइंसाफी है। चुप कर बाजवट, सुनो अगर ये आधे घंटे में नहीं गया तो तुम लोगों का भी पत्ता कट गया। लेकिन सर, जाकर डूब मार। देखा यारो, लोमड़ी शेर की तरह दहाड़ रही थी। अरे यार, लेकिन अब मैं जाऊंगा कहाँ? और कहाँ, डीसीपी के फ्लैट में जहाँ एक खूबसूरत आइटम तेरा इंतजार कर रही होगी। ए, कौन सी खूबसूरत आइटम? उसकी शक्ल देखी है तुम लोगों ने? छिछी, उसका चेहरा, बड़ी आंखें, तीखी नाक, लाल होंठ, वाकई अच्छी आइटम है यार। चुपे, खूबसूरती से क्या होता है, तमीज का क्या? जब देखो चिल्लाती रहती है। कैसे एहसान फरामोश हो तुम, मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की और जब मुझे हेल्प चाहिए थी तो तुमने मेरी वाट लगा दी। अब कुछ कहते क्यों नहीं? हेलो, सुन रहे हो क्या? क्या है? क्या क्या है? यहाँ किस लिए आए? ओ माय फ्रेंड गणेशा से मिलने। कुछ याद आया? तुम इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे परम पूज्य पापा की वजह से मेरा घर और नौकरी दोनों गए हैं। अब तुम ही बताओ इतनी रात को कहाँ जाऊँ मैं? कहीं भी जाओ पर इस घर में नहीं रह सकते हो। ओए, तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ। सुनो, डीसीपी मेरी कहानी सुन के फ्लैट हो गया और उसने मुझे ये फ्लैट दिया था। उससे मेरी शादी होती तो ये फ्लैट मेरा होता। हुई तो नहीं ना, अब तुम मेरी बीवी हो। ये बीवी बीवी बोलना बंद करो। देखो फ्लैट पे जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा भी हक है। तुम वहाँ रहोगी, मैं यहाँ रहूंगा, बीच में बॉर्डर होगी। बहुत हुआ, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। उस वक्त कुछ और कहा था और अब कुछ और।
सबसे पहले मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। उसके लिए आपको एक साल इंतजार करना पड़ेगा। मतलब एक साल तक तुम यहीं पर रहोगे? तुम और मैं एक ही छत के नीचे? नहीं हो सकता, तुम जैसे फ्रॉड के साथ मैं नहीं रह सकती। ख्याली पुलाव मत पकाओ। सुन लो, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, तुम दुनिया में अकेली लड़की होगी ना, तो भी तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। थैंक्स। वैसे इस साड़ी में बहुत हॉट लग रही हो तुम। मधु, तुम्हारी दादी। मधु, बेटी मधु, कैसी है तू? रो क्यों रही है बेटा? मैंने कोई गलती नहीं की है दादी, मैं उससे प्यार नहीं करती। जानती हूँ बेटा, मैंने तुझे बचपन से पाला है। ये ले, इसे रख ले। पता है, इसे मैंने तेरी शादी के लिए बनवाए थे। ये तेरी शादी में तो काम नहीं आए, कम से कम तेरी पढ़ाई में तो काम आ जाए। रख लो इसे, अब आंसू पोछ। एक बात बता, मैं परदादी कब बनूंगी? कभी नहीं। गुस्सा क्यों हो रही है? मैं अभी के लिए नहीं, पढ़ाई के बाद के लिए बोल रही हूँ। आप घर जाती है या नहीं? ओह, मधु की कॉलेज और हॉस्टल फीस के लिए इन्हें बेचना है भैया। ठीक है, बाय मधु। बाय। हॉस्टल शिफ्ट होने की अभी क्या जरूरत है? वो लुच्चा लफंगा मेरे साथ ही रह रहा है, मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा इन पैसों से। तेरे पापा को इस नाटक का पता चला तो वो तेरी शादी करा देंगे। ये तो सच है, पर मैं उस राक्षस के साथ रही तो मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा। दिमाग भी फ्यूज होता है क्या? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो पहले से ही फ्यूज है। ये तो हम पर छोड़ दे, हम उसे इतना टॉर्चर करेंगे कि वो भैंस के डब्बे में बैठकर अपने गांव निकल लेगा। ओके। मधु, बनी आया। मेरा चश्मा लगा के आया, लिफ्ट के लिए मत जाना, तुम मना कर देना। माँ जी, आ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। अरे आप आराम से बैठिए। जुग जुग जी। माँ जी, यहाँ से 11 नंबर की बस पकड़िए और निकल लीजिए। अरे तो वहाँ से क्यों लेकर आया? अरे यहाँ क्या बस स्टॉप तेरा बाप बनवाएगा? है बता, क्यों लेके आया मुझे? मिसेस बनी, मिसेस बनी। क्या मिसेस बनी, मिसेस बनी लगा रखा है क्या? मैं तो ये बताना चाह रहा था कि आपके पति बेवफा हो गए हैं। तो मैं क्या करूं? हाँ? क्या जमाना आ गया? ये सब, ये तो मैं भी पूछ सकता हूँ, क्या चल रहा है ये सब? जंगली बिल्ली का जंगली डांस। हे डार्लिंग, सुपर्ब डांस। हाँ, मुझसे मुकाबला करेगी। ये प्लान था, ऐसे सुधरेगा वो? उसे समझने में हमसे भूल हो गया, वो तो बहुत ही कूल और स्मार्ट है। शट अप, गेट आउट। हेलो, हाय टीना, डिस्को तक जाना है? अरे क्यों, मेरे फ्लैट पे आ जाओ। 50 लोग? नो प्रॉब्लम, 100 भी चलेंगे, आधा फ्लैट खाली है। लेट्स हैव अ पार्टी। या ए, तुम यहाँ पार्टी करोगे? बॉर्डर क्रॉस मत करो, आउट। उस दिन पड़ोसी शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ आती हैं। तुमसे मिलने में तो बहुत सी लड़कियाँ आती हैं, तब तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तुझमें और मुझमें बहुत फर्क है,
ओके, लीव इट। एक अग्रीमेंट करते हैं, आज के बाद इस फ्लैट में ना तो तुम्हारे दोस्त आएंगे ना ही मेरे। ओके ओके, मुझे इन दोनों सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो। hey, अगर मैं उस बनी को मारकर अपनी बेटी को वापस ले आऊं तो तुम उसे अपनी बहू बना लोगे? सूर्या, आधी रात हो गई है, हम लोग सुबह बात करते हैं। सुबह नहीं, अभी। सूर्या, तू मेरा यार है, एक बार तुझसे वादा कर दिया तो समझ ले मरते दम तक निभाऊंगा, तेरी बेटी ही मेरी बहू बनेगी। ठीक है? ठीक है दोस्त। नींद खराब करते डीसीपी, बनी के पहले तेरा नंबर। अच्छा हुआ तू आ गया। अरे तुम लोग यहाँ, चलो ऊपर फ्लैट में चलते हैं। यार बनी, तेरी बीवी तो बदतमीज है, उसने हम सबको घर से हकाल दिया। इतना ही नहीं, इस गंजे को उसने गंजा तक कह दिया। तुम्हें गंजा कहा उसने? बोला गंजा, बोला उसने तुम्हें? हाँ बोला बे। तुम्हारी ये हिम्मत, क्या कहा मेरे दोस्तों को? उन्हें जाने को कहा। ऐसा क्यों कहा तुमने? उन्होंने हमारे बीच के अग्रीमेंट को तोड़ा, इसीलिए जाने को कहा। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? यह हक तुम्हें किसने दिया? ये सब मेरे दोस्त हैं, इन्हें निकालने का हक सिर्फ मेरा है। तुमसे बाहर निकलो, चलो चलो निकलो। इसने क्या कहा सुना नहीं? हिंदी समझ में नहीं आती क्या? तू भी उसके सामने हमारी बेइज्जती करेगा बनी। चलो चलो निकलो, जाओ जाओ जाओ। ठीक है दोस्त। मधु, अच्छा किया इन्हें भगाकर, ये निकम्मे एक बार में समझते नहीं, इसीलिए ये बाद इनके भेजे में घुसाने के लिए फिर लिया। वैसे भी ये बेकार आवारा नाकारा दोस्त किसी काम के नहीं है, इससे तो अच्छा है। तुम रो क्यों रही हो? बेवफा हर जाए, पीठ पीछे हमारी बुराई करता है, बिना तलाक के तू बर्बाद हो जाएगा, ये मेरा श्राप है तुझे। तो उस मोटे को क्यों नहीं देख पाया? मैंने देखा था। तो कुछ कहा क्यों नहीं? इसलिए कुछ नहीं कहा ताकि वो तुम्हारी असलियत देखे। गुस्सा मत करो, ये खाओ। ऐसे सड़े हुए पास्ता को कुत्ते भी नहीं पूछेंगे, तभी तो तुम्हें दे रही हूँ। पिज्जा के 300 तो ये सब क्या है? क्या हुआ सर? वहाँ देखो। नहीं नहीं, शादी हुई है तो क्या हनीमून यहाँ मनाओगे? जाओ उसकी होम डिलीवरी कर दो। अभी करता हूँ सर। हाँ। हे, यहाँ क्यों आई हो? घर पर झगड़े होते हैं, वो कम नहीं है क्या? ओ हेलो, डीसीपी आ रहा है इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। अरे चुप, क्या दिन भर रट लगाए रहती हो? डीसीपी 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 सर कहो, उन्हीं की वजह से तो आज हम साथ साथ खुशी से रह पाते हैं, उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। हाँ? अरे सर, आप ही की बात हो रही थी, आइए बैठिए ना। आप अचानक यहाँ पर कैसे आ गए? पिज्जा खाने आए हैं क्या? पिज्जा? मैं तो यहाँ एक जरूरी काम से आया था, इनके डैड अब भी मुझसे नाराज हैं, उन्होंने मेरा ट्रांसफर करवा दिया। सर तो क्या आप हमें मझदार में अकेले छोड़कर चले जाएंगे? डोंट वरी मैन, फिकर मत करो, मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन एक बात कहूं, तुम दोनों को बहुत होशियार रहना होगा, मगर हाँ कभी कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की प्रॉब्लम, मुझे एक फोन कर देना, एनी टाइम। आपके जाते ही हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ओके मेरे खूबसूरत गुलाब। याद हो गया। बाय 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 सर। हाँ मधु, मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ, कैन आई ड्रॉप यू? सर आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं, मैं बाइक पर छोड़ दूंगा ना। ओ आहा, बाय बाय, यानी रोमांस। गुड गुड, एंजॉय। बाय बाय सर। क्या चालू चीज है? हाँ? ये क्या था, डीसीपी के सामने क्या जताना चाहते थे? उसके सामने पूछने का नाटक कर रहा था, तुम क्या एसी कार में जाओगी, शक्ल देखिए, बस पकड़ो 11 नंबर की और चलती बनो। यू? अब जाओ भी। अरे हाँ मधु, झटका लगाना, तुम्हारे सड़े हुए पास्ता का जवाब मैंने पिज्जा से दे दिया। हाय लेडीज। ए, सल्यूट कर, सिर झुका। नमस्ते सर। सर। सर आप हमें क्यों मार रहे हो? आपको पता है हम कौन है? हम सूर्या के आदमी है। अच्छा? हाँ। ये तेरे बाप की जागीर है, दादागिरी करेगा कमीने साले। बता दे उस सूर्य नारायण को जा। हाय, लगता है कांतम्मा घर पर नहीं है। हाइला सोफा या।
क्या टाइम हुआ है? 12 बज गए? ये कांतम्मा कहाँ रह गई? कहाँ जा सकती है? वॉचमैन, थर्ड ईयर स्टूडेंट मधु आई थी क्या? वो तो आज यहाँ आई नहीं। इतनी रात हो गई घर नहीं लौटी, कहाँ गई होगी ये? कौन है? ए, बता मधु कहाँ है? तुम कौन हो? ए, अगर मरना नहीं चाहता तो बता दे मधु कहाँ है। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है, पता होता तो भी तुम्हें नहीं बताता। भाई ये ऐसे नहीं बताएगा। कहाँ गई थी? हाँ? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। जरूरत है, कभी भी आने जाने के लिए ये होटल नहीं घर है। जानते हो कितनी फिक्र हो रही थी मुझे, तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता तो जिम्मेदार कौन होता? ए, तुम अपने घर में ऐसा करती हो? बताओ मुझे, तुम अपने घर में ऐसा बर्ताव करती हो क्या? तुम्हारे पापा ने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे। ए, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे पापा को बता दूंगा कि मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर उन्हें जो चाहे करे। अब पता चलेगा तुम्हें। एक मिनट, वो प्रिया का भाई मेरे गहने बेचने गया था ताकि मैं फीस भर सकूं। उसी का इंतजार कर रही थी पर वो आया नहीं। सॉरी, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। जहां भी जाऊंगी तुम्हें बताकर जाऊंगी। इस बार मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज। ओके। थैंक्स। निकम्मे हो सारे के सारे, 10 लोग मिलकर उस कमीने बनी को ठिकाने नहीं लगा पाए। लानत है, निकल जाओ, डूब के मर जाओ कहीं। रुक जाओ, दिल से नहीं दिमाग से सोचो। इलेक्शन आने वाले हैं और इस बार तुम्हारा सीएम बनना तय है। तुम लोग जाओ बाहर। उस लड़की की औकात हम उसे बाद में बता देंगे। उसके खून से हाथ क्यों रंगते हो? वो मरेगा इलेक्शन के बाद और इल्जाम लगेगा अपोजिशन पर। ये वक्त अपनी बेटी के बारे में सोचने का नहीं, उस पावर के बारे में सोचने का है जो तुम्हें इलेक्शन के बाद मिलने वाली है। आज के बाद इस इलाके में कोई इलेक्शन की मीटिंग नहीं होगी मेरे राज में। उसने इलेक्शन मीटिंग की परमिशन देने से मना कर दिया है। झूठे केस में सूर्य नारायण के हर साथी को गिरफ्तार कर लो, नो बेल, सीधा जेल। अगर ऐसे ही रहा तो आप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। सूर्य नारायण, तेरी उल्टी गिनती शुरू। Ha 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 ha
लेकिन वो वापस आया कैसे? खुद होम मिनिस्टर ने उसे भेजा है। ये सब आपके पावर को कम करने की एक साजिश है। बिटिया के जाने के बाद से ही हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। खबरदार गोपू, मेरे लिए तो कब की बर गई है वो। दोबारा उसका नाम इस घर में मत लेना। ए, मालिक, ये कुत्ता जब जब भौंकता है मुझे अपनी बेटी की याद आती है। दिल करता है अपने हाथों से इसका गला घोट दूं। गोली मार दो इसे। हे भगवान, टॉमी, टॉमी, भाग यहाँ से, चल भाग, मत मारो इसे, मत मारो। बेटी मधु। दादी, सूर्या ने अपने आदमियों को टॉमी को मारने के लिए भेजा है, मैंने उसे भगा दिया। कीज कैच। आ जाओ, आज से तुम यहीं रहोगे। मैं तो शादीशुदा कुंवारा हूं, मेरे अलावा मेरी एक दुश्मन रहती है यहाँ। उसके हाथ का खाना मत खाना, पेट खराब हो जाएगा। एक दिन उपवास कर लो तो चल जाएगा। वो दुश्मन की बॉर्डर है, उसे क्रॉस मत करना, ओके? अब तुम्हारा कोई नाम रखना होगा, क्या रखें? टॉमी। हे, हे, बोला था ना क्रॉस मत कर। टॉमी, तुम ठीक हो? ये डॉगी मेरा है। अच्छा, तुम्हारा है? ट्रक के नीचे आने वाला था, मैंने बचा लिया। कहीं चोट तो नहीं लगी ना? यहाँ टॉमी, ठीक तो ना? अच्छा, उसे पूछ रही है। मेरा टॉमी। गलतफहमी हो गई। टॉमी, बनी। टॉमी मेरी जिंदगी। थैंक्स बनी, फरिश्ते की तरह तुमने इसे बचाया। थैंक यू। अरे आज तुम यहाँ कैसे? वो मैं बाद में बताऊंगी। अमीर पेट पर 20 पिज्जा का ऑर्डर था, अभी तक तुमने डिलीवरी नहीं की है। ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? अरे मैं नहीं तो क्या तेरा बाप करेगा? अरे सर, आप यहाँ? नहीं साहब, यहाँ किसको आशीर्वाद दे रहे हो? हैं, 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 साधु है क्या? जा, ड्यूटी बजा। सॉरी सर। काम चोर। हंस क्यों रहा है? आखिर क्या बात है बनी? कल रात कांतम्मा ने मुझे बनी कह के पुकारा। उसने अपने पति का नाम लिया, कान के नीचे देना चाहिए था और ये खुश हो रहा है। चुप, आगे बताओ ना बनी। इतने दिनों से कांतम्मा ने मुझे दोस्त तो क्या इंसान तक नहीं समझा, लेकिन जब उसने इतने प्यार से मुझे थैंक यू बनी कहा तो मेरे अंदर का सोया हुआ प्यार जाग गया। क्या हुआ, बात क्या है? मधु की ज्वेलरी बेचकर जो पैसे आने वाले थे वो पैसे उसका भाई लेकर भाग गया है। अब मधु के पास फीस के भी पैसे नहीं है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे नहीं पता। ये क्या बात हुई, क्या इस तरह से गहने वापस आ जाएंगे? चलो हम लोग पुलिस कंप्लेन करते हैं। रहने दो, उसे कोई फायदा नहीं होगा। पर उसकी गलती के लिए तुम क्यों सजा भुगतोगी? और फिर इतने पैसे लाओगी कहाँ से? फीस नहीं भरोगी तो कॉलेज से निकाल देंगे। हेलो दादी माँ। मधु, कैसी हो बेटी? मुझे सेमेस्टर की फीस भरनी है, क्या आप मुझे 50,000 रुपए दे सकती हैं? पापा जी, तुमने मेरी मान मर्यादा और इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। यहाँ फोन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम औलाद नहीं दुश्मन हो, फिर फोन मत करना। अगर तुमने उसे पैसे दिए तो भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। आओ मधु, अंदर आओ। आओ ना, घबराओ मत, मेरे डैडी तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। टेंशन मत लो, बैठो। तुम बेवकूफ हो क्या? लेकिन पापा, तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ। प्लीज, तुम्हारी फीस के लिए आधी तनख्वाह चली जाती है मेरी।
मधु, क्या हुआ, क्या बात है? कुछ भी नहीं। देखो झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा है तुम 2 दिन से कॉलेज तक नहीं गई हो। अब कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए कोई अच्छी जॉब ढूंढ रही हूँ। हे, ये क्या कह रही हो तुम, बताओ क्या हुआ? इतनी सी बात के लिए पढ़ाई छोड़ दोगी तुम? क्या तुम भूल गई मधु, पढ़ाई के लिए कितनी रिस्क ली है तुमने? कितनी फीस है? क्यों? बताओ तो। 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? इस सेमेस्टर के लिए 50,000 रुपए भरने हैं। कल लास्ट डेट है, वरना मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। ओके, तुम कॉलेज जाओ, बाकी मुझ पर छोड़ो। लेकिन तुम, डोंट वरी। नहीं हो सकता, जाओ यहाँ से। सर सर प्लीज सर, पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। तो क्या करूँ, वो दिन भूल गया तू, सबके सामने मेरी इंसल्ट की थी, चल निकल। सॉरी सर, सर इस वक्त मैं कोई भी रिस्क लेने को तैयार हूँ। मैं जो कहूँगा करेगा? हाँ करूँगा सर। कितना पैसा चाहिए? 2 लाख रुपए की जरूरत है। क्या, 2 लाख रुपए? हाँ सर, थोड़ा जरूरी काम है, और 50,000 रुपए एडवांस मिल जाए तो अच्छा होगा, प्लीज सर। हेलो, 2 लाख रुपए कोई खाने का काम नहीं है, कमाने में पसीना आ जाता है, बहुत ही रिस्क का काम हो सकता है, जान भी जा सकती है उसमें। कर पाएगा तू? मैं कर लूंगा सर। एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा तुझे। ठीक है सर। मधु, पंक्चर टायर लेके यहाँ कब तक बैठी रहेगी? आज अगर फीस जमा नहीं की तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। बनी पैसे लेकर आएगा। क्या बनी, तेरा दिमाग तो ठीक है, वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा? मधु, थर्ड ईयर। 50,000? यस मैम। फीस लाने में इतनी देर क्यों हुई? सॉरी मैम। मधुमति की फीस तुम दे रहे हो कौन तुम? हस्बैंड। रियली? या। सो स्वीट। वो देख, बनी आ गया। बनी, 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 तुम यहाँ? फीस जमा कराने आया था। फीस? हाँ जमा कर दी। इतने पैसे कहाँ से आए? उसका टेंशन मत लो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारी सेमेस्टर की फीस का इंतजाम भी हो जाएगा, यू डोंट वरी, ठीक है? मधु, अब क्यों रो रही हो तुम? गुड, हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहना, ओके? मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू। बनी? किस तरफ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। मेरे स्कूटर का टायर पंक्चर हो गया है, लिफ्ट दे दोगे? सूर्या समझौता करने के लिए तैयार हो गया है। वेलकम एसीपी साहब। क्या देख रहे हैं आप? कपड़े धोने के लिए कोई मिला या फिर खुद ही? पुरानी बातों को भूल जाइए, मेरे आदमियों को तो कुत्तों की तरह पीटा आपने, इसीलिए मेरे मुंह से कुछ बुरा भला निकल गया, माफ करना। पॉलिटिक्स में ये तो होता ही रहता है। आपको 25 लाख रुपए का तोहफा दे रहा हूं, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए प्लीज। ए मालिक। अरे चिकन परोसो साहब को। ठीक है मालिक। बस बस बस, हमारे यहाँ का चिकन अच्छा नहीं लगा क्या? क्यों नहीं, अब कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो आप जो देंगे वो अच्छा ही होगा। गली के कुत्तों के लिए बनाया था ये खाना, तू भी उन्हीं में से, फेंके हुए टुकड़ों के लिए तुम हिलाता हुआ चला है। सूर्य नारायण, उठ यहां से। मैंने तुझे बेइज्जत करने के लिए यहां बुलाया था, ना ही ये सब खिलाने के लिए, समझा? तू इसके लायक ही नहीं, अपनी औकात में रहना सीख एसीपी। ए चल फुट, ये सब याद करके जाके फांसी लगा ले।
मत भूल मैं एक पुलिस वाला हूँ। तेरे जैसे कई आए और चले गए, ये इलेक्शन होने दे, बीच चौराहे पे दौड़ा दौड़ा के कुत्ते की तरह मारूंगा। एक तो बाहर इसको। गाड़ी निकाल। गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल डाल दो। सर मुझे दे दीजिए। उठ यहां से। दो लीटर डाल यार। हे क्या कर रहा है? अबे मत चला, अबे रुक जा। अरे ये पागल है क्या? अबे रुक क्या कर रहा है? हमें तुझसे ही बात कर रहा हूँ साले, क्या कर रहा है तू? अबे बुझा उसको, बुझा सिगरेट। अबे पेट्रोल पंप पे सिगरेट चला रहा है, पागल है क्या? दिमाग नहीं है तुझे? कौन है रे तू? अबे तुझे अपना मुंह बंद कर, चल। पागल हो गया? यहाँ इतने सारे लोग हैं, किसी को कुछ हो जाता तो। अबे तू जानता है मैं कौन हूँ? एक गलती करता है ऊपर से दादागिरी करके हट। चल, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। देख लूंगा दिमाग मत खराब कर कमीने। लोग हो जाता तो। सर शांत हो जाइए। कौन है ये? हाँ, पता सर, कर। सर मैं देख लूंगा। साले का एनकाउंटर कर दूंगा मैं। यहां से मीडिया जमा हो गई सर, चलिए जल्दी से ढूंढ के लाओ उस कुत्ते को। ठीक है सर, मैं ढूंढता हूँ। आप जाइए यहां से। जब नए एसीपी रतन को पेट्रोल पंप में सिगरेट जलाने से किसी ने रोका तो एसीपी ने वहां हंगामा कर दिया। देखते हैं लोगों का रिएक्शन। ऐसे अफसरों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसा ना करें। पुलिस है तो क्या हुआ? क्या उसे कानून तोड़ने का हक है? पास में ही स्कूल बस थी, आग लग जाती तो क्या होता? एक नौजवान ने सबके सामने उस पुलिस वाले को झाड़ दिया। गलती पुलिस वाले की थी, वो नौजवान तो हीरो था। हीरो क्या सबक सिखाया उसे? आइए और लोगों की भी राय। हेलो, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। सर ये क्या तमाशा है? सर वो थोड़ा टेंशन में था मैं। तुम एक ऑफिसर हो? तुम्हारी बेहुदा हरकत की वजह से मुझे सफाई देनी पड़ रही है। पूरे डिपार्टमेंट का नाम मिट्टी में मिला दिया तुमने। 24 घंटे के भीतर मुझे जवाब चाहिए, अंडरस्टैंड? अब फोन रखो। हीरो था वो, एकदम हीरो। सर पहले ससुर ने बेइज्जत किया और अब उसके दामाद ने। वो लड़का सूर्या का दामाद है सर। आप बस ऑर्डर दीजिए, बिना केस के उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। सिर्फ हाथ पाव तोड़कर मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। बदले की आग में चल रहा हूं मैं। ऐसा घाव दूंगा कि साला जिंदगी भर उसे भर नहीं पाएगा। दीदी आओ चेस खेलते हैं। अभी नहीं, बनी का फेवरेट खाना बना रही हूँ, बिरयानी। उसे तो बिरयानी से एलर्जी है, वो कैसे खाएगा? ए, आलू की बोरी इधर आ बे। हाथी इधर आ। ए, दीदी के साथ क्यों खेलना है? मेरे साथ नहीं खेल सकता? चेस की स्पेलिंग भी आती है क्या? तू मुझे चैलेंज करेगा? तेरी तो बोर्ड लगा। ए, अगर तू हार गया तो तुझे लटका के पंचिंग बैग बनाऊंगा। अगर तू मुझसे हारा तो तू मुझे सुबह शाम सलाम साहब करेगा, समझा? चल खेल। चेक। अब क्या करेगा बेटा? तू क्या नहीं मानेगा? मैं भी नहीं मानूंगा, गेम कैंसिल। हे, तुमसे हेल्प मांगी थी मैंने, मैं वैसे भी जीत जाता। ये मूव कैंसिल, एक स्टेप पीछे चल। अब ये ले। यही चाल तो दीदी ने भी चली थी। ये तो मैंने अभी अभी सोची है। शर्म नहीं आती? बच्चा समझ के चीटिंग करता है। तू हारा, मैं जीता, मैं भी जीता, मैं विनर। कल से तू बोलेगा सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब।
अरे वो सब तो ठीक है लेकिन मधु हाँ यस क्या हुआ था तुम्हें? कोई पुरानी बात याद आ गई थी। तुम गलत समझ रही हो, अभी जो हुआ मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ। नोटिस बोर्ड नहीं देखा? नहीं। तुम एक सब्जेक्ट में फेल हो गई हो। क्या हुआ, शॉक लगा? तुम पास हो गई हो, अगर एक मार्क कम आया होता तो तुम फेल हो गई होती। देखो तुम्हें हर बार गोल्ड मेडल मिलता है पर इस बार सिर्फ पासिंग मार्क मिले हैं। जरूर तुम्हें कोई डिस्टर्ब कर रहा है, ये साल तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, इसलिए मन लगा के पढ़ाई करो। Come on, quick. ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। प्लीज डॉक्टर, पापा जी बस आते ही होंगे। प्लीज नहीं बेटा, वो नहीं आएंगे। उन्होंने मुझे कभी अपनी पत्नी होने का सम्मान नहीं दिया। वो उन औरतों को लायक नहीं समझते जो दूसरों पर निर्भर रहती है। हर औरत की एक अपनी पहचान होनी चाहिए बेटा, तभी समाज उसको इज्जत देगा, सम्मान देगा। इसीलिए मैंने तुम्हारे पापा से बगावत की है और तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहा। मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा वापस आऊंगी। ऐसा मत कहिए। मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो तुम डॉक्टर जरूर बनोगी, अपनी पढ़ाई पूरी करोगी। करोगी ना बेटा? ये मेरी आखिरी इच्छा है, मुझसे वादा करो तुम डॉक्टर जरूर बनोगे। ए बनी, मधु आ गई है। ओ, आ गई। अपसेट लग रही है, थोड़ा संभाल लेना। तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा। ए मधु, इतनी लेट कैसे हो गई? एक घंटे से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। चलो। मुझे नहीं आना। अरे तुम ही ना तो जिद की थी कि वासु का बर्थडे घर पर सेलिब्रेट करेंगे, अब अचानक क्या हो गया? मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्या बात है मधु, मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर चलो ना, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुमसे कहा ना, मैं थक गई हूँ, शायद तबीयत ठीक नहीं। तबीयत ठीक नहीं है? ओहो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो मधु, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मुझे नहीं जाना। ऐसे बच्चों की तरह क्या बिहेव कर रही हो, अब चलो भी। मेरा हाथ छोड़ो। आखिर तुम होते कौन हो मेरा हाथ पकड़ने वाले? तुम्हारे और मेरे बीच रिश्ता क्या है? तुम क्यों मुझे टॉर्चर करते रहते हो? ए, डिवोर्स पेपर्स कहाँ हैं? तुमने कहा था डिवोर्स दोगे। थोड़ी बात क्या कर ली, मुझ पर हक जताने लगे? भूल कर भी मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना। तुम्हारे साथ यहाँ रहने का फैसला करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। सुनो, मैं तुम्हारे साथ एक मिनट नहीं रह सकती। आज से अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं चली जाऊंगी। मैं चला जाता हूँ। तो फिर जाओ, आज के बाद मुझसे मत मिलना। Go away!
ओके सर, मैं उसे बता दूंगा। अरे बनी, स्टंट मास्टर ने तुझे कल शूटिंग पे बुलाया है। ओके। क्या ओके? कोई शूटिंग वूटिंग नहीं होगी, अगले हफ्ते एग्जाम है और अभी भी शूटिंग में लगा हुआ है। तुझे पढ़ाई नहीं करनी क्या? अरे मैंने मधु से फीस का इंतजाम करने का वादा किया था, उसने घर से निकाला तो मैं वादे से मुकर नहीं सकता। मेरे अलावा उसकी मदद करने वाला कौन है? ए, इतना इमोशनल मत हो, तू उसकी हेल्प कर रहा था इसलिए वो तेरे साथ थी, उसे कोई दूसरा मिल गया तो तुझे छोड़ दिया। क्या कर रहा है? छोड़ना। भाई चाय दो ना। मास्टर, गाड़ी को पहले गियर में डालना और एक्सेलेरेटर देना ताकि जंप करे। हा? ये क्या है मास्टर, क्या तुम उसकी जान लेना चाहते हो? तुमने हैवी बम क्यों लगाया? अरे टेंशन क्यों ले रहे हो डायरेक्टर साहब, फिल्में बनाना भी रिस्की है, शॉट में जान होगी तो फिल्म हिट होगी, अगर कोई हॉस्पिटल पहुंच गया तो भी फिल्म को पब्लिसिटी ही मिलेगी। ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू। सुन बनी, तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? पता है इस शॉट में फाइट मास्टर ने बम लगाया, कुछ गड़बड़ हो गई तो तेरी जान जा सकती है। कुछ नहीं होगा, अब तक कुछ हुआ क्या? देख यार, मुझे वादा पूरा करना है। Okay. बनी तैयार हो गया? यस मास्टर। स्टार्ट कैमरा। तुम्हारे और मेरे बीच रिश्ता क्या है? कि बॉस पेपर्स कहाँ है? चले जाओ यहाँ से। डियर स्टूडेंट्स, आपके मेडिकल कोर्स कंप्लीट होने पर मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। आज तक इस कॉलेज में इतनी हाई परसेंटेज कोई नहीं लेकर आ पाया है। जिसने हमारे कॉलेज से टॉप किया है उनका नाम है मिस मधु। और जो सेकंड आए हैं उनका नाम है शादाब। मधु, तुम्हें लगा कि बनी है ना? फिर उस दिन उसकी इतनी बेइज्जती क्यों की? इसके लिए बनी के साथ रहती तो ये कभी नहीं मिलता। मुझे डर था कि मुझे बनी से प्यार हो जाएगा, लेकिन आज इस मेडल मिलने की मुझे खुशी नहीं है, क्योंकि बनी आज मेरे साथ नहीं है। तो क्या तू बनी से प्यार करती है? हाँ। तो फिर ऐसा क्यों किया? तुझे पता है ना, तुझे बनी की वजह से ही गोल्ड मेडल मिला है। उसने अपनी जान पर खेलकर फीस का इंतजाम किया था। उसने तुम्हारी फीस के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, और स्टंट करते वक्त वो बुरी तरह घायल हुआ, और वो चलने फिरने की हालत में भी नहीं है, वो बहुत गंभीर हालत में है। बनी, तो ठीक तो है ना बनी? बनी, क्या हुआ बनी को? क्या हुआ उसे बताओ। शांत हो जाओ। कुछ नहीं हुआ बनी को। मधु शांत हो जाओ, वो ठीक है। ये बात एक महीने पहले की है, उसने बताने के लिए मना किया था। बनी कहाँ है? मुझे बताओ बनी कहाँ है। वो तुमसे मिलने आया था, लेकिन मैंने कहा तुम उससे नफरत करती हो और अपने फ्लैट में वापस चली गई हो। सुनो मधु, हाँ।
हाय मधु, आज बहुत खुश होगी तुम। मैं दूर से तुम्हें देख रहा था लेकिन अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो लव लेटर तुम्हारी किताब में रखना मेरी पहली भूल थी। इस फ्लैट में तुम्हें तंग करना मेरी दूसरी भूल थी। ये जानते हुए कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मैंने तुमसे प्यार करने की गुस्ताखी की। हालांकि ये सब मेरी गलतियां थी, फिर भी न जाने क्यों मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूं, इसलिए जैसा तुम चाहती थी मैं तुमसे तलाक ले रहा हूं। गुड बाय। बनी, क्यों चले गए तुम? सारी गलती मेरी थी, मेरी, अपने स्वार्थ के लिए मैंने तुम्हें तकलीफ दी। बनी, तुम कहो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। बनी, मैं विजय बोल रहा हूँ, बनी यहाँ नहीं है। एक बार बोला समझ में नहीं आता? तुम्हारे लिए उसने पढ़ाई छोड़ी और अपनी जान जोखिम में डाली, अब क्या वाकई उसे मारना चाहती हो? जितनी तकलीफ दे दी उतनी दे दी, अच्छा होगा कि उसे दूर रहो। प्लीज, सिर्फ एक बार मेरी उससे बात करा दो। वो ये शहर छोड़कर जा रहा है, अगर मिलना चाहती हो तो रेलवे स्टेशन चली जाओ। एक्सीडेंट हो गया, प्लीज मुझे जरा वहां तक छोड़ दो, प्लीज प्लीज छोड़ दो। मुझे जरा फोन दोगी, अर्जेंट बात करनी है। ए, गाड़ी रोको, कहां से आ रही हो? मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज से? ए रेशमा, तुमने फिर से धंधा शुरू कर दिया? आपको यकीन नहीं हो रहा सर, हम कॉलेज स्टूडेंट हैं। सर, इसने मुझे लिफ्ट ली थी, मैं इसको नहीं जानती, मैं एक मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट हूँ सर, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। सर, क्या हुआ? ये फोन से प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाती हैं। स्टॉप इट। ये फोन किसका है? मेरा है। तुमने अभी अभी इससे क्लाइंट को फोन किया? नहीं। हाँ या ना? सर, मैं इस औरत को नहीं जानती, मेरा यकीन कीजिए सर, छोड़ो। सर, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं अभी अपने कॉलेज से ही आ रही थी, प्लीज। कॉलेज से आ रही हो? हाँ। या मुजरा करके शादीशुदा हो? जवाब दे। तेरा पति तेरी दलाली तो नहीं करता? ए, एक शब्द और बोला ना। क्या कर लेगी? बोल, क्या बिगाड़ लेगी मेरा? ए बनी, इधर आ। क्या हुआ? मधु का फोन आया था, उसने रुकने को कहा है। मधु का फोन आया था? इतना खुश मत हो, समझा, शायद डिवोर्स पेपर पे साइन चाहिए होंगे। तुम किसी से बात करना चाहती हो? ये लो। बनी। मधु, क्या हुआ मधु? मधु, बनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मधु, कहाँ हो तुम? वो एसीपी ने मुझे बोला पुलिस स्टेशन में आओ,
चलो सब। मैंने क्या गुनाह किया है? अच्छा, आप लोग क्यों मुझे टॉर्चर कर रहे हो? इसका जवाब तेरा बाप देगा। मेरी बेटी को अरेस्ट किया तूने? पापा जी, पापा जी। देखा? कुछ याद आया? हाँ, वहां देख तेरी बेटी की हालत। ए, फोटो लीना। ले ली सर। ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाया तूने? डालो सबको अंदर। देख लूंगा तुझे। डालो अंदर। डालो। बाहर निकलने दे, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये वक्त बताएगा, कल पेपर में जब ये न्यूज आएगी कि तेरी बेटी धंधा करते हुए पकड़ी गई, तब तू क्या करेगा? तेरा नाम, तेरी इज्जत, तेरा रुतबा, 4 लाख वोटर्स, सब उड़न छू। सर ये फोटो नहीं खिंचवा रही है रोमा। ए, क्या नाटक लगा के रखा है? चल चेहरा उधर कर। ए, फोटो खींच रहे इसका। ए, आने दे उसे। आजा 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 आजा। मधु, तू तो गया लेकिन आसानी से नहीं मारूंगा, तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा कमीने। देख 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 तेरी बीवी को। ए, बनी। ए, चुपचाप बैठ जा। एक बार बोलने पे सुनाई नहीं देता तुझे। मधु, तू चल। सर सर, ये क्या है सर? आपने क्यों पकड़ा है उसे? तेरी बीवी धंधा करते हुए पकड़ी गई। छोड़ दो मेरे बनी को, उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा छोड़ दो मेरे हस्बैंड को, छोड़ दो मेरे हस्बैंड को, बनी को, बनी, बनी, उठो, बनी। छोड़ना मत, छोड़ना मत, बनी, मार डालो। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो तुम? मधु, इसने मेरी मधु को अरेस्ट किया। बनी, मेरी मधु को वैश्य कहा इसने। अगर किसी ने मधु को हाथ भी लगाया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ है मेरी मधु। आई लव यू मधु, आई लव यू। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं जी सकता तुम्हारे बिना मधु। <laughs>
बनी जा, मैं सब संभालूंगा।